हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी चैनल। आज मैं आपसे पेटीएम के यूपीआई के कैशबैक के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। तो पेटीएम का जो यूपीआई का कैशबैक है उसके ऊपर पेटीएम ₹50 का आपको कैशबैक दे रहा है, तो आप इजीली ₹50 का कैशबैक कमा सकते हो। तो ये ऑफर उनके लिए ही है जिन्होंने अभी तक पेटीएम पे अपना भीम यूपीआई जो आईडी जो होता है वो क्रिएट नहीं किया है। अगर आपने पेटीएम से भीम यूपीआई आईडी ऑलरेडी क्रिएट किया हो तो आपके लिए ये जो ऑफर है वो नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपका ऑलरेडी पेटीएम पे यूपीआई रहेगा, आपने पेटीएम से ट्रांजैक्शन किया होगा यूपीआई से, तो प्लीज़ ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अगर आपने इससे पहले पेटीएम के अकाउंट में यूपीआई ओपन ही नहीं किया है और किसी को पैसा सेंड भी नहीं किया है तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। तो इससे जो है वो आपको ₹50 का कैशबैक मिलेगा। तो इसी के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बता दूंगा। मैंने किया है और मुझे ₹50 का कैशबैक जो है वो आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम फॉर ऑर्डर करके दिखा रहा है और ₹50 का कैशबैक मुझे मिला है। तो क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्रिएटिंग यूर पेटीएम यूपीआई एड्रेस करके जो था वो ₹50 का कैशबैक मुझे मिला है। तो 13 जनवरी को मैंने ये किया था, दो दिन के बाद मतलब आज 15 जनवरी को आज मुझे ₹50 मेरे वॉलेट में क्रेडिट हुआ है। तो दो तीन दिन लगते हैं, विद इन 48 आवर्स में आपको जो कैशबैक है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको प्रोसेस करनी है। सपोज आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंट टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस और ऑनलाइन अर्निंग के वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में, ऑफर के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, पेटीएम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे यूपीआई का अकाउंट देख सकते हो और यहाँ पे कैशबैक करके दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि अभी यूपीआई के ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक मिल जाएगी। तो फर्स्ट टाइम ही आप जब ट्रांजेक्शन करोगे यूपीआई से, आपने किसी भी एक दोस्त को ₹100 या उससे अबाव कोई भी अमाउंट सेंड करोगे तो आपके वॉलेट में ₹50 क्रेडिट हो जाएगा, जैसे कि मेरे वॉलेट में क्रेडिट हुआ था। अगर यहाँ पे सपोज कैशबैक का ये जो ऊपर आइकॉन दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है कैशबैक करके, अगर वो आपके इसमें नहीं दिखा रहा है तो मतलब वो ऑफर अभी एक्सपायर हो चुकी है। तो थोड़ा दिन वेट कर लेना, थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिक ये जो नाम है वापस ऊपर आ जाएगा। वो टाइम पे आप ट्रांजेक्शन्स करके यूपीआई की आईडी क्रिएट करके पेटीएम पे कैशबैक का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। इसमें एक बहुत बड़ा मैटर क्या है कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लास्ट टाइम दी थी, जब भी मैंने किया था उसके दो तीन दिन पहले तक यहाँ पे दिया था उन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस, बट अभी यहाँ पे नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैं आपको उस टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आपको ट्रांजेक्शन करते टाइम ध्यान में रखना है और कंप्लीट होने के बाद ट्रांजेक्शन आपको ₹50 का कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको यूपीआई आईडी किस तरह से क्रिएट करनी है। तो क्या हुआ कि मैंने एक्चुअली ऑलरेडी अपना यूपीआई आईडी जो है वो क्रिएट कर लिया है, तो उसकी वजह से मैं आपको वापस करके नहीं दिखा सकता। बट ऐसे ऊपर से ही मैं आपको बता देता हूँ एक बार प्रोसेस कैसी होगी, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे यूपीआई करके आइकॉन दिखा रहा है, जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी मेरा जो यूपीआई आईडी वो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है, बट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने उसे हाइड करके रखा है। तो यहाँ पे आप अपना यू पी आई आई डी देख सकते हो, आपका जस्ट नंबर रहेगा @ और पेटीएम करके आपका यू पी आई एड्रेस जो है वो एक क्रिएट हो जाएगा। वो आप किसी भी अपने दोस्त को दे के उससे भी पैसा ले सकते, मतलब उसे कह सकते हो कि इस यू पी आई आई डी पे आप मुझे पैसा सेंड कर देना। तो अगर आपने अभी तक यू पी आई आई डी क्रिएट नहीं किया है तो ये आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपकी बैंक सिलेक्ट करना, तो आपकी जो भी पर्टिकुलर बैंक है उसको आपको चूज करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सिम कार्ड से आपके बैंक को कनेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, मतलब आपका सेम सिम कार्ड आपके मोबाइल में जो प्रेजेंट होना चाहिए जो आपके बैंक से लिंक है। तो वहां से आपका थोड़ा ₹1-2 कट जाएंगे, मतलब चार्जेस लगते हैं SMS चार्जेस, वो कटने के बाद आपका जो सिम कार्ड है मतलब आपका बैंक जो भी बैंक है, जैसे मेरा बड़ौदा बैंक है, तो वो ऑटोमेटिकली पेटीएम के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और वहां से आपको डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो उसके बाद आपको अपना डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा, उसके ऊपर लास्ट के 6 डिजिट जो रहते हैं वो आपको एंटर करने पड़ेंगे और CVV कार्ड के पीछे साइड 3 डिजिट का CVV नंबर रहता है वो भी एंटर करके वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको यूपीआई
फोर डिजिट का यूपीआई जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो भी बहुत ईजी है। अगर आपके पास आपने तेज या फिर फोन पे एप्लीकेशन जो है जिसका मैंने वीडियो बनाया था वो अगर वो ऑलरेडी आपने यूज किया है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फोर डिजिट का पिन आपको क्रिएट करना पड़ता है ट्रांजेक्शन के लिए, हर टाइम वो यूज कर सकते हो फोर डिजिट का पिन। तो वो पिन फर्स्ट अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो आई हैव वो पिन कर के एक ऑप्शन रहता है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो नया पिन क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें भी जस्ट आपको एक ओटीपी आएगा और एक फोर डिजिट का पिन आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर उसका वीडियो भी आपको देखना है तो फोन पे एप्लीकेशन का जो मैंने वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से आप यूपीआई आईडी अपना क्रिएट कर सकते हो, अपना पिन जो है यूपीआई का वो पर्टिकुलर क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद एक बार आपका पूरा हो गया, मतलब प्रॉपर आपका यूपीआई आईडी भी बन गया, तो यहाँ पे सेंड मनी करके ऑप्शन दिखा रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सेंड मनी से आपको अपने किसी भी दोस्त को 200 रुपये सेंड करने हैं, 100 से ज़्यादा ही करना, 100 का लिमिट है, तो 100 से ज़्यादा 100 या 150 भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो ये जो मैंने कहा था आपको टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसका एक फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन यही था कि आपको 100 या 100 के ऊपर पैसा सेंड करना है। और एक मेन बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप जिस दिन पेटीएम यू पी आई आई डी क्रिएट करोगे उसी दिन आपको ट्रांजेक्शन करना है, मतलब उसी दिन आपको अपने किसी दोस्त को जो है वो 100 रुपीज़ सेंड करना है तो ही आपको कैशबैक आएगी। सपोज आपने आज किया, आज 15 तारीख है, तो आज किया अभी जस्ट अभी किया 8 बजे सपोज, और कल आपने 16 तारीख को अगर आप किसी अपने दोस्त को सेंड करते हो पैसा तो आपको कैशबैक जो है वो नहीं आएगा। सेम दिन मतलब जिस दिन आप लोगों ने जो यू पी आई आई डी बनाया है पेटीएम पे उसी दिन आपको अपने किसी भी एक दोस्त को पैसा जो है सेंड करना है 100 या 100 के ऊपर, तो ही आपको 2 दिन में 50 रुपीज़ का कैशबैक आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, जैसे कि मेरे वॉलेट में क्रेडिट हुआ था। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो पासबुक यहाँ पे मतलब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 200 रुपीज़ सेंड किया था स्टार्टिंग में, मैं कर रहा था बट वो मेरा बैंक का सर्वर जो है डाउन था उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ 2 टाइम, बट बाद में सेंड हुआ 200 रुपये और मेरे दोस्त ने वापस मुझे 200 रुपये सेंड किया। तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आप मनी अपने किसी भी दोस्त को सेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने दोस्त का यूपीआई एड्रेस डालना है, तो आपका कोई दोस्त हो उसका ऑलरेडी पेटीएम पे यूपीआई एड्रेस हो तो उससे जस्ट उसका यूपीआई एड्रेस मांग लेना, उसका नंबर @paytm, बस सिंपल यूपीआई एड्रेस रहता है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जस्ट वेरिफिकेशन होता है, थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हो और एंटर अमाउंट डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है किसके बारे में सेंड करना है वो सब करके सिंपली आपको सेंड कर देना है। तो ये जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कट होकर आपके दोस्त के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, आपके पेटीएम वॉलेट में नहीं रहेगा। ये मतलब आपके पेटीएम वॉलेट में सपोज 500 रुपये आप 200 रुपये सेंड कर रहे हो तो उसमें से कट नहीं होगा, आपके बैंक के अकाउंट में से चला जाएगा और आपके दोस्त के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो बस यही था आपको मुझे आज बताना था इसी ऑफर के बारे में पेटीएम के, और मैंने ट्राई किया कि सब जो पूरी प्रोसेस है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझे, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर बता दिया है। फिर भी आप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो साथ ही साथ मैं अभी फिलहाल पेटीएम, फ्री चार्ज, बाद में तेज और फ़ोनपे एप्लीकेशन, ये 3 एप्लीकेशन है, फ्री चार्ज, तेज और फ़ोनपे, ये 3 एप्लीकेशन जो है वो रेफरल के क्रेडिट्स दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका भी बेनिफिट लीजिए। तो उसके भी वीडियोस मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो भी देख के आप जो फ्री का जो रेफरल अमाउंट है 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ दे रहे हो वो लोग भी, तो वो जल्दी से कमा सकते हो और अनलिमिटेड अर्निंग फ्री की कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भी दूसरे भी टेक रिलेटेड वीडियोज़ है ऑनलाइन अर्निंग के वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।